हनुमान, जिनको श्री राम का सबसे बड़ा भक्त भी कहते हैं। अब हनुमान के बारे में तो आप सब जानते ही हैं और उनसे जुड़ी हनुमान चालीसा को भी। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा में एक प्रकार की दैवीय शक्ति है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने लिखा था, पर क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने इसे कब और क्यों लिखा? 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी एक प्रख्यात साधु और कवि हुआ करते थे, जो कि एक बहुत बड़े राम भक्त भी थे। तुलसीदास जी को एक दिन भगवान राम के दर्शन गोकुल में हुए, जो कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये खबर आग की तरह फैल गई। ये सुनने के बाद कि तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए हैं, मुगल बादशाह अकबर ने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया। जब तुलसीदास उनके दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें कुछ चमत्कार करने को कहा। इस पर तुलसीदास जी ने उन्हें कहा कि वो तो सिर्फ श्री राम के भक्त हैं, असली चमत्कार तो प्रभु राम ही करते हैं। ये सुनकर अकबर ने उन्हें श्री राम को दिखाने को कहा। तब तुलसीदास ने कहा कि श्री राम के दर्शन बिना सच्ची भक्ति के नहीं हो सकते। ये सुनकर अकबर आग बबूला हो गया और तुलसीदास जी को जेल में डालने का हुक्म दे दिया। तुलसीदास को फतेहपुर सिकरी की जेल में रखा गया, जो कि उस वक्त अकबर का किला हुआ करता था। कहते हैं कि तुलसीदास ने जेल में हनुमान चालीसा लिखी थी। शुरू के 40 दिन में जब तुलसीदास हनुमान चालीसा लिख रहे थे, तब वो साथ ही साथ हनुमान जी से इस मुश्किल की घड़ी में मदद करने की प्रार्थना भी कर रहे थे। 40 दिनों के अंदर हनुमान चालीसा पूरी करने के बाद तुलसीदास ने हनुमान चालीसा पूरी बोली और उनके हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अकबर का पूरा किला बंदरों से भर गया। बंदरों ने सब जगह आतंक मचा दिया। अकबर की सेना ने बहुत कोशिश की, लेकिन बंदरों पे वो काबू ना कर सके। ये सब होने के बाद अकबर को समझ आया कि ये जो भी हो रहा है वो तुलसीदास जी को जेल में रखने की वजह से हुआ है। अकबर फौरन जेल गए और तुलसीदास जी से माफी मांगी और बंदरों के आतंक को खत्म करने के लिए विनती की। तुलसीदास ने तब हनुमान से प्रार्थना की और उसके तुरंत बाद सारे बंदर वहां से चले गए। तुलसीदास ने अकबर से कहा कि उन्हें और उनकी सेना को ये जगह खाली करनी होगी, क्योंकि यहाँ श्री राम का वास है, इसलिए यहाँ इन बंदरों के सिवा और कोई नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद अकबर ने अपना किला तुरंत ही बदल लिया। तो ये थी हनुमान चालीसा के पीछे की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमें नीचे कमेंट्स में बताइए, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। थैंक यू।